चल रही हूँ एरोप्लेन रेस्टोरेंट जाने के लिए हमारे इलाहाबाद में। यहाँ पे आ गई हूँ, ऑर्डर कर दिया है और आपको पहले हम वो दिखा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और मेरा इजी रव ऑर्डर से मॉर्निंग हो गई है और मैंने इसके बाद बनाया वो मछली उपमा जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। मैं इसकी रेसिपी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सिवई से इतना प्यारा, इतना मज़े का बनता है ना। और इसके बाद मैं बस टिफिन पैक किया और निकल गई मैं अपने ऑफिस जाने के लिए। फिर ऑफिस जाने के बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया जैसे हमेशा करती हूँ वही तरह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, संस्कार, मैं हूँ आमिर, अमेरिका चैनल ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। अभी बज रहे हैं शाम को 4 और जकी आया है तो लेकर आया हमारे लिए रोल, दिखाते हैं आपको। ये भी खा रहा है और हम भी जा रहे हैं खाने। ये देखो गाइस, जकी खा रहा है रोल और लेकर आया मेरे लिए भी, और जिसको चलते हैं खाते हैं। ये देखो एक ही रखा है, इसी का रखा है, तुम्हारा है? भी हो गए हैं रात के 8 और मैं अब बंद कर दे रही हूँ अपना ऑफिस। मैं निकल रही हूँ एरोप्लेन रेस्टोरेंट जाने के लिए। हमारे इलाहाबाद में एरोप्लेन रेस्टोरेंट ओपन हो चुका है, मैं गई नहीं हूँ अब तक, तो बस चलते हैं आज वहीं डिनर करते हैं। और भाई आ गया है, बस वो ऑफिस बंद कर दिया है, बस अब निकलते हैं जल्दी से बंद करके, आपको मिलते हैं रास्ते में। मेरा ड्रेस तो देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैं उसमें बहुत पतली भी लग रही हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं थोड़ी थोड़ी सी अब हो रही हूँ पतली। एंड चलो चलते हैं जल्दी से, मिलते हैं आपको रास्ते में। गाइज, मैं पहुँच चुकी हूँ रनवे 70 जो कि हमारे इलाहाबाद में ओपन हुआ है एरोप्लेन रेस्टोरेंट। इसकी लोकेशन मैं बताऊँ, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से सीधे आप चलते आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ओपन हुआ है। आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, ये देखो रनवे 70 लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे हाईवे गया है और इधर है ये रनवे 70। चलो चलते हैं अंदर, देर नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी देर हो चुका है हमें, और अंदर देखते हैं कैसा है। मेरे साथ यहाँ पोपट पोपट होते जा रहा था, मेरी यहाँ वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। मैंने मुझे बोर्डिंग पासेस मिल गए थे और उसके बाद यहाँ पे पास को चेक कराना पड़ता है, फिर उसके बाद में अंदर एंट्री होती है। आपको पहले हम वो दिखाते हैं एक व्यू यहाँ का, वर्चुअल व्यू, और उसके बाद में फिर आपको दिखाते हैं। बस चलते हैं एरोप्लेन के अंदर, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड तेज़ कर दिया था क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी। और उसके बाद में ये रहा यहाँ का मेन्यू कार्ड, आप इसको पॉज करके आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद ऑर्डर कर आ गई हूँ, ऑर्डर कर दिया है और देखते हैं कितनी देर में आता है। अभी तो वेट कर रही हूँ, 10 मिनट हो गया है। और क्या क्या चीज़ मंगाया हम, जब देखो मैं बताती हूँ, याद आ गया, सूप, एक कॉफ़ी, उत्पम और फ्रेंच फ्राइज, पेरी पेरी फ्राइज और इतनी चीज मंगवाई है। अब देखते हैं उसमें से कैसा होगा, टेस्ट कैसा होगा, मेन तो टेस्ट कैसा होगा। मुझे तुम फ्लाइट पे नहीं बैठे हो ना आज तक? नहीं बैठे, झूठा गई भी झूठ बोलता है, एक नंबर का ही बैठा बैठा नहीं है। मैं बैठी हूँ 3-4 बार और ये नहीं बैठा है, तुम नहीं बैठे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? ऐसा लग रहा है तुम्हें बैठ के फ्लाइट फ्लाइट थोड़ा ना बैठ के अच्छा बोर्डिंग पास भी मिला है गाइस इसको, इलाहाबाद टू चंडीगढ़ का चंडीगढ़ जाओ खाना खाते हुए। अभी थोड़ी देर में ये उड़ना स्टार्ट होएगी तो खाना बनना खाना बंद मिलना बंद हो जाएगा, खाना नहीं मिल जाएगा तो खाना मिलेगा ही नहीं ना, सूप गिर जाएगा मेरा भी नहीं होती इसको अपनी सूप की चिंता है। बताएं आपको यहाँ का, मैंने जब दिल्ली गई थी, दिल्ली की मैं वीडियो लिंक में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसका लिंक, आप लोग जरूर देखना। वहाँ इतनी ज्यादा हाई प्राइस है और यहाँ प्राइस बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत अच्छी प्राइस है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। और टेस्ट वाइज देखते हैं कैसा है, और बहुत ही बड़ा जो उत्पम आ गया है, इतनी सारी चीज़ मंगा ली है, खा पाएंगे? ये खा लेगा बुक्कर, ये खा लेगा गाइस, ये पक्का खा लेगा। इसको मैं इसीलिए लेकर आती हूँ, जो मैं ना खा पाऊँ वो ये खा ले, इसीलिए इसको लेकर आते हैं, नहीं तो इसको लेकर नहीं आते। क्या गरीब आदमी बचा कुछ खा लेते हैं गाइस, इसकी बातों को इग्नोर करो। ये देखो हमारा उत्पम आ गया है और इसको चलते हैं खाते हैं, फिर बताते हैं आपको इसका टेस्ट।
वाओ बहुत टेस्टी। पहले खाया है आज से पहले कभी? उत्तम खाया है कभी? झूठा। मैं तो बनाते हैं तो खाता नहीं है गाइस, ये घर में बनाते हैं, घर में बनाते हैं तो ये खाता नहीं है, और यहाँ कह रहा खाया है हमने। चिल्ला भी बनाती हूँ। सही बताओ कैसा है? अच्छा है। घर में बनाएंगे तो भी खाना पड़ेगा गाइस। इसे अमेजिंग टेस्टी, बहुत अच्छा। कितने का है? 100 रुपीज़ का है ना, 100 रुपीज़ का है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट है। और हमारी कॉफ़ी भी आ गई है। कॉफ़ी कितने की है? 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ की है। और बस कॉफ़ी 50 रुपीज़ की थी। कॉफ़ी पी के तो मज़ा ही आ गया था, सारी थकान दूर हो गई थी दिन भर की। बहुत टेस्टी कॉफ़ी थी, 50 रुपीज़ की थी, और मतलब एक अच्छा सा रिलैक्स फील होता है। और पूरे दिन से मैंने कोई भी ग्रीन टी या कुछ भी नहीं पिया था, इसकी वजह से कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। गाइस ये आ गया इसका सूप, और ये पी का सूप पियो, बताओ कैसा है? पहली बार पिया था विलियन जोन पिज़्ज़ा में, 2-3 बार पी चुके हैं। सही अच्छा। गाइस हम यहाँ आ गए, अब हम जा रहे हैं उड़ाने फ्लाइट, और इन सबको लेकर चलेंगे इलाहाबाद टू चंडीगढ़। जब जा रहे हैं हम, जब बैठ गया मेरा साइड वाला पैलेट, दो पैलेट होते हैं ना, एक वो जो हेल्प करता है हेल्पर मेरा हेल्पर, और हम उड़ाने जा रहे हैं। चार नंबर सबको लेकर आएंगे। गाइस हम बैठ गए हैं, लेकर चल रहे हैं फ्लाइट, जिसको आना है, और वो आ सकते हैं हमारी फ्लाइट पे। बैठने में भी डर लग रहा है मुझे, कहीं पीछे ना हो जाए ना। सीट बेल्ट है, गियर और सब टूटा हुआ है। उड़ गई। ये देखो कैमरा उल्टा हो गया। स्टीयरिंग दिया नहीं ना, ऑटोमेटिक लग रहा। ऑटोमेटिक है, लग रहा है कुछ लड़ गया था इसमें। उड़ने वाली आगे से दिखा दो, बदल गया गियर, बदल गया। अरे इतना ना बदल, टूट जाएगा, दोबारा उड़ जाएगी। चलो हमने फ्लाइट उड़ा दिया है, फिर से हम चंडीगढ़ में लैंड कर गए हैं। तो हमारा आगे है पेरी पेरी फ्राइज, ये है हमारी पेरी पेरी फ्राइज, चलते हैं खाते हैं इसको। हमने फोटो नहीं क्लिक किया अपने। गाइस पता है आपको, यहाँ पे एंट्री चार्जेस जो बोर्डिंग पासेस है ना, 250 रुपये है। नहीं मैं बता दे रही हूँ, बोर्डिंग पासेस 250 रुपये का है, जो कि वो आपके फूड में इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब उस 250 रुपये से आप कुछ भी खा सकते हैं यहाँ पे, और 250 रुपये देना मस्ट है ना, बोर्डिंग पास लेना मस्ट है। आप यहाँ पे कुछ भी खाओगे वो 250 रुपये में आपका वो हो जाएगा। अगर 250 रुपये से ज़्यादा खाते हो तो वो आपको पे करना पड़ेगा। तो पर मेरे हिसाब से बहुत सही है, ऐसे ही हर जगह होता है। मैं दिल्ली में गई थी, दिल्ली में भी ऐसे ही था, पर मुझे यहाँ वहाँ दिल्ली वाला बहुत ज़्यादा कॉस्टली था खाना, यहाँ वाला बहुत बजट फ्रेंडली है। मतलब बिल्कुल बजट में है हर चीज़, प्लस टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मतलब गरम गरम आपको सर्व करते हैं, सर्विस बहुत अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप इलाहाबाद से हो तो आप यहाँ ज़रूर ट्राई करना, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने मेन्यू कार्ड यहाँ का सेंड किया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ज़रूर आना। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा है खाना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने जो जो चीज़ मंगाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। अब देखते हैं मेरी और चीज़ें हैं वो कैसी आती हैं, और मैं खा लेती हूँ फ्राइज, फिर मिलती हूँ। फिर से मैंने वॉइस ओवर करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे ना वॉइस नहीं आ रही थी, और इसने बोला कि वहाँ का मैंने खाया था तो नहीं अच्छा था, यहाँ का बहुत अच्छा है, ये यही बता रहा था। बहुत मजे का है शेजवान सॉस के साथ, बहुत ज्यादा। शेजवान तुमने नहीं मंगाया? तुमने नहीं मंगाया ऑनलाइन? पेरी पेरी मसाला मेरे पास शेजवान सॉस नहीं है, बहुत टेस्टी है।
हमारा चिली पटेटो भी आ गया है, जो कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सारी चीज़ों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ये बुक्कड़ खा रहा है। चिली पटेटो तो खा लो। सर्व इट गई कि पहली बार अपने लाइफ में पहली बार ये सर्व कर रहा है और ये पक्का गिराएगा, 110% ही गिराएगा। चलो अकल तो है, थोड़ी सी तो अकल है तुम्हारे अंदर जो तुम निकाल लिए। क्वांटिटी बहुत अच्छी है गाइस इसकी। फॉग हो है तो ध्याती हो गया एकदम। अच्छा बहुत, मतलब ग्रीन किचन से तो बहुत अच्छा है। द टेस्ट ऑफ किचन, बहुत टेस्टी गाइस, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, मज़ा आ गया खा के, बहुत टेस्टी है। मैं लग नहीं रहा गाइस, हमने खा लिया है और बहुत ज़्यादा मज़े का था। बच गया है, पैक करवा लिया है और बस चलते हैं, बिल करवाते हैं, देखते हैं यहाँ का प्रोसेस क्या है। गाइस ये देखो, यहाँ पे विंग्स भी है और विंग्स पे ना ये ऐसा डेकोरेशन करा देंगे, बर्थडे डेकोरेशन, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो मैं सोच, विंग्स पे आ गए हैं, फ्लाइट उड़ भी रही है और हम लोग विंग्स पे बैठे हैं। ये देखो कितना प्यारा है, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यू है यहाँ का, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये देखो तुम्हें कैसे लगा? मज़ा नहीं आ रहा है, आगे बैठे तो मजा आ रहा था, गियर चेंज करने में इसको विंग्स पे मजा नहीं आ रहा, इसको आगे बैठे थे तब बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। पर बहुत अच्छा, आप यहाँ से पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको पूरा एक व्यू दिखाती हूँ, फिर इसके बाद मिलते हैं। हटो, नीचे है और यहाँ से उधर आगे से आता है खाना, फिर इसके अंदर फ्लाइट में आता है, तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा अच्छा है। ये पूरा नीचे अभी कुछ कुछ बन रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। हमने बोर्डिंग पास लिया था, उसके बाद 89 रुपीज हमने अलग से देना है और इतनी सारी खाना खा के मतलब मजा आ गया, बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप यहाँ पे पर डे पार्टी कुछ भी करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, अब यहाँ पे डेकोरेशन करा सकते हो। मैं अगर करवाऊंगी तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर बताऊंगी कि कितना लगा, कैसा हुआ। और बाकी चलते हैं, पैसे दे दिए हैं और बाकी चलते हैं घर अपने। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज 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 हमारी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय, बहुत सारे प्यार दीजिएगा, बाय गाइज़।